एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ महायुद्ध की तैयारी। पुतिन की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। पुतिन की सेना यूक्रेन में पश्चिमी देशों से आए हथियारों को नष्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ समंदर में यूक्रेन के तमाम मददगारों को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। पुतिन अब युद्ध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस की तैयारी अमेरिका से निपटने की है या फिर बदला लेने की, ये तो साफ नहीं है। लेकिन रूस की तैयारी ऐसी है कि वो अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों पर कहर बरपा सकता है। रूस का सबसे घातक जल अस्त्र पानी के भीतर तैयार एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल सकता है। ये रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। हेलो डॉक्टर, तंडी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तंडी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तंडी हर्बल क्लिनिक। एक बार नहीं टेस्ट की पूरी सीरीज चल रही है। रूस ने एक बार फिर अपने पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट कर लिया है। समंदर में लगातार ताकत बढ़ा रहे रूस ने इससे पहले कई युद्धाभ्यास किया है और अब एक बार फिर पोसाइडन टॉर्पीडो को आजमाया गया है। ताकि युद्ध के वक्त इस अस्त्र के इस्तेमाल में किसी तरह की चूक ना हो, निशाना बिल्कुल सटीक लगे। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन टॉर्पीडो को रूस अपनी शक्तिशाली सबमरीन से फायर करेगा। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी देश में सुनामी लाने की ताकत रखता है। रूसी नेवी का दावा है कि पोसाइडन टॉर्पीडो अब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। रूस की नेवी को पोसाइडन की ताकत बेलगोरोद पनडुब्बी की एंट्री के साथ ही मिल जाएगी। पोसाइडन का रिएक्टर प्लांट तैयार है। पोसाइडन को बेलगोरोद पनडुब्बी से लोड किया जाएगा। रशियन बेलगोरोद पनडुब्बी फिलहाल टेस्टिंग से गुजर रही है। 2023 में ही नेवी को बेलगोरोद सौंप दी जाएगी। एक बेलगोरोद 8 पोसाइडन ड्रोन से लैस रहेगी। रूस की बेलगोरोद दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी नहीं बनी है। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए गए हैं। 184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। पोसाइडन ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। अब आप एक एक कर ड्रोन की ताकत समझिए। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती है। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन टॉर्पीडो का इस्तेमाल रूस दुश्मनों के बंदरगाह को तबाह करने के लिए करेगा। एक बार अटैक के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा, जिसकी वजह से दुश्मन देश का कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ सकता है। रूस ने यूक्रेन के इस घातक हथियार से निपटने के लिए भी नया वेपन बनाया है। रूस ने यूएमटी नाम का नया टॉर्पीडो बनाया है।
यूएमटी अंडर वाटर ड्रोन को खत्म करने में सक्षम है। यूएमटी तेज रफ्तार से वाटर ड्रोन पर हमला करता है। बेलगोरोद के अलावा रशियन नेवी को इस साल एक और परमाणु पनडुब्बी मिलेगी। इस पनडुब्बी का नाम खाबरोवस्क है। रूस की इस नई पनडुब्बी में भी पोसाइडन को लोड किया जा सकता है। यूक्रेन के वाटर ड्रोन से अपने युद्धपोत को बचाने के लिए रूस ने नई रणनीति बनाई है। रूस ने काला सागर में कई फ्रिगेट तैनात की है। रूस ने काला सागर में अपनी फ्रिगेट एसिन को तैयार किया है। रूस ने अपने बड़े युद्धपोत को ड्रोन से बचाने के लिए कई छोटे युद्धपोत भेजे हैं ताकि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर बड़े लक्ष्यों तक न पहुंच सके। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए अपने युद्धपोत को एक ही रंग से पेंट करवाना शुरू कर दिया है। इससे पहले रूस ने ब्लैक सी, सी ऑफ जापान, बैरेंट्स और आर्कटिक में एक्सरसाइज की। पिछले एक महीने से पुतिन ने अपनी नेवी को वॉर मोड में रखा है। अब सवाल है कि पुतिन क्या पश्चिमी देशों से बदला लेने वाले हैं या फिर पुतिन न्यूक्लियर वॉर का जवाब देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।